हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है दृष्टि का किचन्स में तो फ्रेंड्स आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इजी तरीके से हम अपने बालों को काला कैसे कर सकते हैं और कैसे लंबा कर सकते हैं तो वो बताएंगे बहुत ही आसानी से अपने घर के ही सामान से अपने बालों को काला और लंबे कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आज क्या हो रहा है कुछ लोगों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है और डेंड्रफ की प्रॉब्लम से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं तो इस रेमेडी का आप यूज करोगे तो हंड्रेड परसेंट फ्रेंड्स मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और साथ ही में आपके बाल काले और लंबे होंगे और फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है घर के ही सामान से बनने वाली है आप अपने बालों को लंबे कर सकते हो काले कर सकते हो मजबूत कर सकते हो और नेचुरली बिना कोई साइड इफेक्ट के भारी और मजबूत अपने बाल कर सकते हो तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी ए हुए वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो रेमेडी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें लेना है सबसे पहले एक बर्तन में पानी एक गिलास के करीब हम पानी लेंगे उसमें हमें डालना है चाय पत्ती जी हाँ फ्रेंड्स चाय पत्ती हमें वही लेनी है जो हम घर के अंदर चाय बना पीते हैं तो एक चम्मच ही हमें इसमें चाय पत्ती मिलानी है और अब हम इसको गैस को ऑन करेंगे और गैस को ऑन करके इस बर्तन को गैस के ऊपर रख देते हैं और इसको पाँच से सात मिनट तक अच्छे से हम बॉयल होने देंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है अच्छे से जब ये बॉयल हो जाएगा तब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसका आगे का प्रोसेस फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और हमारे घर के ही सामान से ये बनकर तैयार हो जाती है ये रेमेडी अगर आप अपने बालों में यूज़ करने लग जाओगे तो आपके बालों की जितने भी प्रॉब्लम है वो सारी समाप्त हो जाएगी और बहुत ही काले लंबे घने और मज़बूत बाल बनेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें एक चम्मच से मिलाकर इसको देख लेना है और बीच में हमें एक चम्मच चलाकर छोड़ देना है और अब इसको हम थोड़ी देर पका लेते हैं जब ये अच्छे से पक जाता है यानी बॉईल हो जाता है ये पानी अच्छे से तो फिर हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्या होता है हम शैम्पू तो डेली यूज करते हैं चाहे कोई भी ब्रांड का यूज़ करो हम मार्केट से शैम्पू लाते हैं फिर अपने बालों को हम अपने वॉश करते हैं पर जब भी हम शैम्पू करें तो उसके साथ अगर हम ये इस चाय पत्ती के पानी का यूज़ करेंगे तो केमिकल तो हम यूज़ करते हैं पर उसके साथ ही अगर हम घरेलू नुस्खे के यूज़ करेंगे ना तो केमिकल इतना प्रभाव हमारे बालों पे नहीं डालेगा क्योंकि फ्रेंड्स हम इसके साथ ही घरेलू चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं यूज़ करने पर तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने चाय पत्ती के पानी को एक कटोरी में छन लिया है अब इसमें हम डालेंगे नींबू नींबू फ्रेंड्स हमारे जो डेंड्रफ होता है बालों में उनको क्लीन करने में बहुत ही अच्छा काम करता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें पूरा नींबू का यूज़ नहीं करना हम आधा नींबू लेंगे उसमें से कुछ बूंदें इसमें डालनी है आधा नींबू भी इसमें पूरा नहीं डालना है हमें और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूँ जिनको नींबू सूट नहीं होता वो भी इस नींबू का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इस नींबू को ओवरनाइट अपने बालों में नहीं लगाने वाले तो यहाँ पर हमें कुछ बूंदे नींबू की लेनी है और उसके बाद इस चाय पत्ती के पानी के साथ हम इसको मिला देंगे फ्रेंड्स जब भी अपने बालों को हम धोते हैं और ये चाय पत्ती का पानी हम इसमें शैम्पू के साथ ऐड करके यूज़ करेंगे अपने बालों में तो हमारे बालों में एक अलग ही शाइनिंग आ जाएगी हमारे बाल लंबे काले हो जाएंगे और साथ ही में हमारे बाल बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके साथ ही हम ऐड करेंगे शैम्पू शैम्पू आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप भी कैनिक प्लस शैम्पू का यूज़ करो आप जो भी अपने बालों में शैम्पू का यूज़ करती हो तो उस शैम्पू को आपको यहाँ पे डालना है और इस रेमेडी के साथ अच्छे से एक चम्मच से मिक्स कर लेना है और फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ कि आपको इस रेमेडी का यूज़ कैसे करना है आप जब भी अपने बालों को वॉश करते हो जब भी आप अपने बालों को धोते हो तो इस पानी से धोना है क्योंकि इस पानी के साथ में हमने शैम्पू मिला दिया और नींबू मिला दिया है तो नींबू क्या होता है अगर हम ओवर नाइट रखते हैं तो हमारे बालों को साइड इफ़ेक्ट करता है और कईयों को सूट नहीं होता उनके लिए बोल रही हूँ और फ्रेंड ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको तुरंत बनाना और तुरंत अपने बालों में यूज़ करना और देखोगे अगर आप कंटिन्यू एक मंथ तक इसको अप्लाई कर लोगे अपने बालों में तो आपको बहुत ही बेस्ट और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आई होप कि रेमेडी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी तो फ्रेंड्स अगर आपको रेमेडी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग